नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की 5 सबसे महंगी सुपरकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, या ऐसा कहिए भविष्य में इन्हीं कारों को यूज में लिया जाएगा जिनकी सवारी करना किसी सपने को पूरा होने जैसा है। वैसे तो हमारे आसपास हजारों लाखों कारें मौजूद है, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ कारें ऐसी भी है जो किसी अजूबे से कम नहीं। अगर आप कार्स का शौक रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज होंगे। बेंजेव 015। इस कार को देखकर आपको लग रहा होगा ये कार असली नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज ने इसे बनाकर तैयार कर भी दिया है जो किसी अजूबे से कम नहीं। इस कार को अंदर से ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें बटन की जगह हर जगह डिस्प्ले लगी हुई है। इस कार को पार्क करने की जरूरत भी नहीं होती, बस आपको कार को निर्देश देना होगा और कार अपने आप पार्क हो जाएगी। रास्ते में अगर कोई सड़क पार करने के लिए खड़ा है तो कार अपने आप रुककर व्यक्ति को सड़क क्रॉस करने के लिए कहेगी। इस कार की कीमत लगभग 20 करोड़ है, जिसके अभी तक 10 मॉडल ही दुनिया भर में मौजूद है। फरारी मिलेनियो। ये दिखने में जितनी शानदार लगती है, इसकी कीमत उतनी ज्यादा है। ये फरारी की सबसे महंगी और स्मार्ट कारों में से एक है। इस तरह के सिर्फ 5 मॉडल दुनिया भर में उपलब्ध है, और इसे खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस समय ये कार बनी तब से लेकर आज तक ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार है, जिसने रेसिंग की कई चैंपियनशिप अपने नाम की। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो ये कार आपको जरूर चलानी चाहिए। मर्सिडीज बेंज सिल्वर। मर्सिडीज के द्वारा बनाई गई इस कार को हमारे फ्यूचर से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में ये कारों की दुनिया में राज करेगी। इसमें यूज ली गई सभी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, जो इसे दूसरी कारों से अलग बनाता है। इसकी डिजाइन बहुत ही शानदार है, जो अपनी रफ्तार से एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ सकती है। जो लोग इसे खरीद नहीं पाते, वह या तो किराए पर इसे चलाकर खुश हो जाते हैं, या देखकर ही तसल्ली कर लेते हैं। चेवरोलेट एफएनआर। इस कंपनी के पास एक से बढ़कर एक कार है जो रेसिंग में काम में ली जाती है, लेकिन इस कार को ये कंपनी कभी रेस में नहीं उतारती, क्योंकि अगर ये कार रेस में उतर जाएगी तो और कोई दूसरी कार इसे पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है। हवा से तेज चलने वाली इस कार की कीमत 32 करोड़ के आसपास है। लंबोर्गिनी फेरेसियो। ये कार मार्क होसलर ने डिजाइन की है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोटो डिजाइन के छात्र है। ये कार अपनी डिजाइन की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है, जिसे चलाना हर किसी इंसान की ख्वाहिश है। इस कार की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है, और स्टाइल के मामले में इस कार में कोई कमी नहीं, ये तो देख कर ही लगता है। बस इसकी सबसे बुरी बात यह है कि इसे सिर्फ अमीर लोग ही चला सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतनी महंगी। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस कार को चलाना पसंद करेंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले।